Hi friends, this is Navneet and welcome to Fateh Educom. Today I'll discuss with you the article 21 under part 3 of the constitution, that is fundamental rights. So, jaise ki aapko pata hai, right to freedom ki category hamari chal rahi hai aur article 19 and 20 we had already discussed. So, is video mein hum sirf aur sirf article 21 ki baat karenge and we will read some important cases and judgments here, jisme telephone tapping cases, right to death, euthanasia, santhara, issue of LGBT community, death penalty and right to privacy include होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है. ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो मेरी वो वाली वीडियो जरूर देख लें बिकॉज उसमें काफी इंपॉर्टेंट केसेस और जजमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं. ऑल्दो कि आपने कहीं ना कहीं ये वीडियो शायद देखी होगी नेट पे लेकिन उसमें मैंने जो है वो काफी केसेस तीन केसेस थे जो इसके कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको मैंने इंक्लूड किया है. तो प्लीज उसको जरूर देख लें एंड फर्दर इसमें भी मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड करी हैं लेकिन इसमें मैं बहुत एक्सप्लेन बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी. तो आर्टिकल 21 इट कैन बी क्लेम्ड व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट. ठीक है, तो स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है, पब्लिक अथॉरिटीज के अंडर क्या क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो सारी चीजें हमने आर्टिकल 12 में ऑलरेडी डिस्कस की थी. तो वायोलेशन ऑफ राइट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है इसके परव्यू में वो नहीं आता है. आर्टिकल 21 बेसिकली दो राइट्स को सिक्योर करता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और इसको एक तरह से मैग्ना कार्टा के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है 1215 का, क्योंकि मैग्ना कार्टा आपको पता है सबसे पहले एक तरह का रेवोल्यूशन लिया आया था जब प्रिविलेज्ड राइट सबसे पहले लोगों को मिली थी, ठीक है, लंदन में. और आर्टिकल 21 में बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं जो लेटर ऑन एमेनेट हुई थी. पहले तो अगर हम बात करें जो बिफोर मेनका गांधी केस तो इसका जो आर्टिकल 21 का जो मतलब कंटेक्स्ट था उसको बहुत ही शॉर्ट रखा गया था कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लिबर्टी को ही जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि लाइक स्टेट अगर आपकी बॉडीली पार्ट्स को हर्ट करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. लेकिन लेटर ऑन आफ्टर मेनका गांधी केस बहुत सारी हिस्टोरिकल जजमेंट थी, वो एक तरह का लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जो था लाइफ को एक तरह से एक्सप्लेन किया कि लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने सांस लेनी है, लाइफ का मतलब होता है बंदा डिग्निटी के साथ जिए जब तक है जान, है ना. तो आर्टिकल 21 जो है दैट बेसिकली अप्लाइज टू नेचुरल पर्सन, यानी कि चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है हर के लिए ही एप्लीकेबल है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन सिटीजन जो है उसको इसके साथ वो राइट भी मिल जाएगी कि वो इंडिया में रिजाइड और सेटल कर सकता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया लाइफ इन आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, जैसे कि ये चीज जो थी ये मेनका गांधी केस में डिसाइड की गई थी कि लाइफ का मतलब है कि आप जब तक भी जीते हैं आप डिग्निटी के साथ जिए, आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो, अच्छी नौकरी हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपको एनवायरमेंट अच्छा मिले और बहुत सारी चीजें, कहीं पे भी आ जा सको आप, ठीक है, कोई भी किसी तरह की रोक टोक ना हो, बहुत सारी चीजें जो थी इसमें एमानेट होके आई थी. तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे ओवरव्यू इसका, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. एक्चुअली अगेन मैंने इसको इसलिए ही इंक्लूड कर दिया ताकि आप इन केसेस को मिस नहीं करो जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था उसमें भी कि कोई भी बंदा जो है वो उसकी लाइफ या लिबर्टी को हर्ट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो अब ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये इंडियंस ने इन्वेंट किया है, एक तरह से इंडियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंडर ये है कि अगर एक्ट कोई ऐसा बन गया है जिसके अंडर आपकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी हर्ट हो रही है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो. लेकिन वही अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो देखा ही जाता है जिसके अंडर आपको पनिशमेंट मिलेगी या आपका केस जो भी है डिसाइड होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जिस प्रोसीजर के अंडर आपके कोर्ट आपका केस जो है वो डिसाइड हुआ है क्या वो प्रोसीजर फेयर है, जस्टिसेबल है, ठीक है. एंड फर्दर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसके अंडर आपको सिर्फ गवर्नमेंट की एक्शन के अगेंस्ट ही जो है वो
प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, स्टेट आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू गो टू फाइल एनी काइंड ऑफ रिट बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट. बट अगर वही हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो उसमें जो है वो आपको जो है जो अगर प्रोसीजर भी गलत लगता है गवर्नमेंट का जिसके अंडर आपको पकड़ के वो ले गए हैं, तो उसके अंडर भी आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो. ठीक है, कि प्रोसीजर ये गलत है, प्रोसीजर सही नहीं है. सो बेसिकली ड्यू प्रोसेस को हम कलेक्टिवली लेते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ प्लस प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्टिसेबल. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो है वो हम कवर करेंगे. लाइक सबसे पहले है ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की नैरो इंटरप्रिटेशन की थी बहुत ज़्यादा, जिसमें उन्होंने लाइफ को पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि सिर्फ आपको जो है स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी अगर स्टेट आपके किसी बॉडी पार्ट को इंज्योर करता है या हार्म करता है, डैमेज करता है, तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट इन दी सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, देन फर्दर इसमें एक और ब्लंडर किया गया, इसमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 को सेपरेटली रखा गया, क्योंकि इसमें बेसिकली जो बंदा था उसने केस किया था, उसको 1947 में उसने कुछ वॉयलेटिव स्पीचेस दी थी जिसके अगेंस्ट उसको जो था वो सुप्रीम कोर्ट में जेल में डाल दिया गया था. ठीक है, तो उसके अंडर उसने जो थी अपनी सबसे पहले तो उसने बोला कि एक तो उसने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था या उस टाइम का जो उनका मद्रास गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर था प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके उसको चैलेंज किया कि इससे जो है उसका आर्टिकल 21 जो है वो वॉयलेट होता है, साथ ही साथ आर्टिकल 19 भी है जो वॉयलेट होता है. लेकिन इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केसेस को जो है वो अलग अलग बताया कि आर्टिकल 21 को आप आर्टिकल 19 के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो. बेसिकली इसमें उसने 19(1)(d) जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था उसका, उसको चैलेंज किया था. तो उसके बाद फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी कंसिडर नहीं किया और उन्होंने बोला कि अगर कोई भी लॉ जो है आपकी लाइफ या लिबर्टी को हर्ट करता है और उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मान सकते जस्ट बिकॉज कि उसमें कोई नेचुरल जस्टिस या ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है. ठीक है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ. देन उसके बाद अगेन फिर जो था एक केस हुआ, इसके बाद खड़क सिंह का एक केस हुआ था जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है कि खड़क सिंह के मतलब एक डाकू था जो लोगों से पैसे लूट के, अमीरों से पैसे लूट के और गरीबों में दान देता था और उसके पास, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के पास कोई भी किसी तरह का एविडेंस नहीं था स्टेट पुलिस अथॉरिटीज़ के पास, लेकिन वो हर टाइम उसके घर पे सर्वेलेंस रखती थी. ठीक है, और जिससे वो कभी भी नहीं आ जा सकता था अपने घर में, मतलब अगर वो 2 बजे भी आता तब भी पुलिस थी, अगर 4 बजे भी आता था तब भी पुलिस होती थी. तो उसको ये हो गया कि इससे तो मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो हर्ट हो रही है. लेकिन उसके चलते जो पुलिस थी उसने, पुलिस अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को अपना एक मतलब स्टे बताया कि हमने जो हमारी जो यूपी गवर्नमेंट की जो पुलिस ऑर्डर्स रेगुलेशंस हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके चलते हम इसके घर पे किसी भी टाइम किसी की तरह की सर्वेलेंस जो है वो रख सकते हैं, चाहे इसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो है वो हर्ट ही क्यों ना होती हो. ठीक है, तो इस केस में जो है वो बहुत ही एक मतलब मिनोरिटी जजमेंट आई थी जिसमें राइट टू प्राइवेसी को भी रिकॉग्निशन दी गई थी, लेकिन फर्दर ये कोई इतनी वेटेज इसको नहीं मिल पाई क्योंकि वो मिनोरिटी जजमेंट थी. लेकिन फर्स्ट टाइम इस केस में राइट टू प्राइवेसी को भी जो था वो कंसिडर किया गया था. लेकिन फर्दर इसके साथ साथ फिर जो कोर्ट थी उसने जो उसके मतलब यूपी गवर्नमेंट की जो प्रोविजंस थी जिनके अंडर सर्वेलेंस रख रहे थे वो, उस प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया था. ठीक है, क्योंकि इससे उसकी जो थी प्राइवेसी हर्ट हो रही थी, इसके चलते ही इसको जो था फर्स्ट टाइम प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया गया था खड़क सिंह केस में. देन उसके बाद हुआ था मेनका गांधी केस. हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जैसे मैं हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात करें तो उसमें यूपी पुलिस ने इस बात को जो था वो एक्सप्लेन किया था कि जो भी प्रोसीजर है उसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो सर्वेलेंस रख रहे हैं. ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. देन उसके बाद मेनका गांधी केस में जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अर्लियर डिसीजन था उसको ओवर रूल करते हुए वाइडेस्ट पॉसिबल मीनिंग निकाला आर्टिकल 21 का, क्योंकि अर्लियर उन्होंने बोला था आर्टिकल 21 का मतलब है प्रोटेक्शन अगेन फॉर पर्सनल लिबर्टी ओनली. देन इसके बाद इसमें जो था पर्सनल लिबर्टी को लिबर्टी के साथ रिप्लेस किया गया, यानी कि लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी को एक ही मतलब बताया गया उसका,
और इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब बहुत सारी लिबर्टी उसकी मतलब उसके उसको जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे फर्दर इन फेयर्ड राइट्स में कि बहुत सारी राइट्स हैं जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू वर्क इन वर्क क्या उसे हेल्थ क्या उसे कहते हैं राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, मतलब सो मेनी राइट्स वर एमानेटेड फ्रॉम आर्टिकल 21 इन दिस वेरी केस ओनली. तो इसमें जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो कंटेक्स्ट था उसको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कर दिया आर्टिकल 21 को, और साथ ही साथ ये भी बताया कि आर्टिकल 19 अगर वॉयलेट होता है तो आर्टिकल 21 भी वॉयलेट होता है क्योंकि दे बोथ बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ राइट्स. जबकि पहला जो एके गोपालन केस हुआ था उसमें उन्होंने दोनों केसेस को अलग अलग बताया था, दोनों की राइट्स डिफरेंट बताई थी. देन फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ इसमें डिसाइड की कि आर्टिकल 21 का मतलब है दैट इट इनहेरेंटली इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, दस एनी लॉ पास बाय लेजिस्लेचर दैट सीक्स टू डिप्राइव एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी शैल हैव टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये चीज पहली बार बताई कि कोई भी लॉ जो है जिसके अकॉर्डिंगली किसी बंदे का कोई भी केस जो है वो डिसाइड किया जा रहा है तो वो लॉ जो है वो जस्टिसेबल होना चाहिए, जस्टिसेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. सो कोर्ट सक्सीडेड इन रीडिंग द फ्रेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर आर्टिकल 21. तो उसके बाद हम करते हैं इनफेयर्ड राइट्स अंडर आर्टिकल 21. जैसे कि बहुत सारे केसेस हुए थे फिर इसके बाद भी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट राइट्स जो थी लोगों की सामने आई. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है ना, तो जिसमें इसमें क्या होता था कि एक बंदा था वो मतलब जैसे बाहर से फॉरेन कंट्री में उसका कोई बिजनेस था, आता जाता था तो हमेशा ही पुलिस अथॉरिटीज उसको पकड़ के इंटेरोगेट करती थी और उसको हमेशा ही किसी इलीगल एक्टिविटी के साथ एसोसिएट कर देती थी. तो उसने इस चीज़ को जो था वो चैलेंज किया कि इससे तो उसकी मतलब पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो हर्ट हो रही है. देन फर्दर ये उसके फेवर में ही सुप्रीम कोर्ट ने केस जो था वो किया था. एंड फर्दर काफ़ी राइट्स डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जहाँ पे जितनी भी राइट्स आप देख रहे हो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस में से इमानेट होके आई हैं और इनको बोलते हैं इनफेयर्ड राइट्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच नहीं आई हैं बट दे आर ड्राइव थ्रू सम इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स प्रोविजन्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजन्स की इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही हमें मिली हैं, लाइक राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स, राइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स. देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे अंडर आर्टिकल 21. सबसे पहला केस है टेलीफोन टैपिंग केस. इसमें क्या हुआ था, 1990s में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो था वो केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसने उसका वाइफ का किसी के साथ अफेयर था तो उसने उसकी जो टेलीफोन की जो रिकॉर्डिंग्स थी उसको एज अ एविडेंस जो था वो पेश किया था. सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये केस सुना ही नहीं, उसने लोअर कोर्ट में भेज दिया और उसको लोअर केस बताते हुए. एंड फिर फर्दर ये डिसाइड हुआ था कि जो वुमेन है उसके अगेंस्ट आप उसकी टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स को एज अ एविडेंस पेश नहीं कर सकते बिकॉज ये उसकी प्राइवेसी का ब्रीच है. ठीक है, देन फर्दर PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कुछ गाइडलाइंस जो थी वो दी थी टेलीफोन टैपिंग केसेस के लिए कि टेलीफोन टैपिंग केसेस अगर होंगे भी कभी, ठीक है, तो वो कुछ उसके लिए गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी होंगी. तो वो गाइडलाइंस जो है वो अगर नहीं फॉलो की जाती हैं तो उस केस में जो टेलीफोन टैपिंग है ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है. तो ये कुछ गाइडलाइंस जो थी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि अगर टेलीफोन टैप करना है तो उसके चलते यूनियन गवर्नमेंट या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का जो होम सेक्रेटरी होगा वही ऑर्डर जो है वो इशू करेगा एंड उसके लिए कुछ स्ट्रांग रीजन जो है इट मस्ट अकंपनी दैट ऑर्डर. ठीक है, देन उसके बाद ये ऑर्डर जो है 2 months तक वैलिड होगा और इसको जो है मैक्सिमम होम सेक्रेटरी 6 months तक जो है वो एक्सटेंड कर सकता है ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन. एंड फर्दर जो भी टेलीफोन टैपिंग की जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसको जो है डिस्ट्रॉय और यूज करना होगा विद इन 2 months. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टू डाई. राइट टू डाई में ये एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ब्लंडर किया था 1994 में पी रत्नम केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डेथ को राइट बताते हुए जो सेक्शन 309 है इंडियन पीनल कोड का जिसके अकॉर्डिंगली बंदा जो है सुसाइड करे तो उसको पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो एक तरह का क्राइम कमिट कर रहा है,
ठीक है, तो उसको नल एंड वॉइड बता दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया. लेकिन वेरी सून सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो मतलब मिस्टेक थी वो रियलाइज हुई, एंड 1996 में ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्लियर जजमेंट को ओवर रूल करते हुए बोला कि राइट टू मतलब जो बंदा है उसको राइट टू लाइफ है, ना कि राइट टू डेथ है. और राइट टू लाइफ का मतलब है कि जब तक वो जिएगा वो पूरी डिग्निटी के साथ इस धरती पे जब तक है वो जिएगा. देन उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टू फूड स्टार्वेशन डेथ. राइट टू फूड स्टार्वेशन डेथ में है ये एक PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस जो था वो डिसाइड हुआ था जब स्टेट ऑफ राजस्थान में स्टार्वेशन की वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी. तो 2001 में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ जो थी वो डिसाइड की थी कि आर्टिकल 21 के अंडर जो है वो लोगों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो भूख से तो अलग मतलब ना मरे. ठीक है, मतलब राइट दे हैव द राइट टू गेट फूड अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में स्टेट किया था कि हमारे यहाँ पे कितने सारे गडाउंस हैं, कितने सारे स्टॉक्स हैं, कितना सरप्लस फूड ग्रेन है इंडिया में, लेकिन वहीं लोग भूख से मर रहे हैं. तो वही आप यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को, या डेस्टिट्यूट या डिसेबल्ड को जो है वही फूड उनको प्रोवाइड करो. राइट, तो ये गाइडलाइंस जो थी वो इशू की गई क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कितना ज़्यादा अनाज के लिए हमारा इंडिया जो है वो जाना जाता है. इवन यहाँ पे गडाउंस में चूहे जो है वो अनाज खा खा के मोटे हो जाते हैं, है ना. तो देख लो आप जाके गडाउंस के चूहे. तो वही आप ऐसे लोगों को जो है वो फूड ग्रेन्स दो. इसमें तो गवर्नमेंट के कहने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही जो है वो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए. तो फर्दर जो है इसमें ये जो फर्दर आर्टिकल्स थे डिफरेंट डिफरेंट ये रेज किए गए थे जो कि सारे फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं. आर्टिकल 21, 39A एंड 47 फर्दर इसको जो है हम चैलेंज कर सकते हैं थ्रू रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32(1). ठीक है, तो आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. देन उसके बाद आर्टिकल 39A जो है वो कहता है द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड. 47 कहता है स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज. एंड 32(1) कहता है द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड. सो उसके बाद आता है यूथेनेशिया केस. तो ये जो यूथेनेशिया केस है बेसिकली ये सामने आया था अरुणा रामचंद्र शॉम्बर्ग केस. अगर आपको याद हो, अगर आप क्राइम पेट्रोल भी देखते होगे तो उसमें भी ये केस जो था वो दिखाया था उन्होंने, जिसमें एक नर्स थी जिसका रेप होता है और उसके हॉस्पिटल में उसका रेप होता है, उसके बाद उसको मारने की कोशिश की जाती है लेकिन उसके मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो गला उसका जो है वो दफनाता है, जिसके उसके ब्लड सप्लाई ब्रेन को रुक जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई सॉरी, तो वो कोमा में चली जाती है. तो उसकी एक फ्रेंड थी, लॉयर थी वो, तो उसने इस चीज को था वो चली गई यूथनेश मतलब वो चली गई कोमा में. ठीक है, तो उसके बाद जो था उसकी एक फ्रेंड थी, उसने इस चीज को चैलेंज किया था कि उसको जो है वो पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए. इन 2011 ने सुप्रीम कोर्ट ने जो था एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया का भी जो था वो रेफरेंस दिया था कि एक्टिव यूथनेशिया में होता है कि पर्सन जो है किसी डिसीज की वजह से परेशान है तो उसको जो है वो डेथ दे दी जाती है, मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह लगा के या कुछ ऐसे. तो पैसिव यूथनेशिया जो है उसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो किसी लाइफ सपोर्ट पे होता है और उसमें जो है वो उसकी मतलब लाइफ जो है मतलब पर्सनल जो सपोर्ट होती है जिस सपोर्ट पे वो रहता है तो वो सपोर्ट छीन ली जाती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है पैसिव यूथनेशिया में हमेशा एक होप सी रहती है कि बंदा कभी ना कभी तो कोमा से बाहर आ ही सकता है. ठीक है, तो इस केस में भी ऐसे ही जो उसकी फ्रेंड थी उसने इस चीज़ को बोला कि उसको पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए, लेकिन जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भी हम जब तक ये रहेगी हम इसकी जो है वो टेक केयर करेंगे. तो उसके चलते फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फेवर में केस किया था. लेकिन उसके बाद जो था सिंस इसके यूथनेशिया में कोई भी लॉ एज सच कोई पास नहीं हुआ है, तो अब तक जो भी चीज़ जो है इस पैसिव यूथनेशिया के केस में इसी गाइडलाइंस को जो है वो माना जाता है. ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो है वो फॉलो होती हैं, जिसमें अगर पैसिव यूथनेशिया अगर किसी को देना है तो उसमें जो पेरेंट्स या स्पाउस या क्लोज रिलेटिव्स हैं उसकी परमिशन ली जाएगी, एंड अगर कोई भी नहीं है तो कोई फ्रेंड, अगर वो भी नहीं है तो डॉक्टर्स भी जो है वो ये डिसीजन ले सकते हैं. देन उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट में फाइल होती है तो उसके जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का वो दो जजेस का बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एंड फर्दर वो जो बेंच होगा वो फर्दर तीन रिप्यूटेड डॉक्टर्स की एक कमेटी जो है वो बनाएगा,
जो उसके चलते अपनी रिपोर्ट देंगे कि वेदर कि वो बंदे को पैसिव यूथनेशिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. देन उसके बाद हाईकोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीवन. देन उसके बाद हम बात करते हैं लिविंग विल की. लिविंग विल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, ये यूथनेशिया से रिलेटेड था तो इसके चलते मैंने इसको इंक्लूड कर दिया. इसमें क्या होता है, बेसिकली ये इंडिया में लीगल नहीं है ड्यू टू सम नेगेटिव रेपरकशंस, क्योंकि लिविंग विल होता है कि जो बंदा है वो अपने जीने से पहले अपनी विल में लिख देता है कि कल को जैसे वो बहुत ही बीमार हो जाए और वो अपने मुंह से बोल के ना कह पाए, कम्युनिकेट ना कर पाए, तो उस केस में उसको पैसिव यूथनेशिया जो है वो देने की बजाय, यानी कि उसको आर्टिफिशियल मीन पे जिंदा रखने की बजाय उसको जो है वो मार दिया जाए. ठीक है, तो देन उसके बाद क्या उसे कहते हैं, सॉरी सॉरी इसमें था, सॉरी भूल गई मैं, इसमें था कि अगर वो मतलब कल को बोल नहीं सकता तो उसको जो है वो पैसिव यूथनेशिया जो है वो दे दिया जाए रैदर देन कि उसको जो है वो आर्टिफिशियल मीन्स के ऊपर जो है वो जिंदा रखा जाए, तो उसकी जो है लाइफ सपोर्ट छीन ली जाए, ये कहने का मतलब है. तो वो अपनी विल में पहले ही लिख देता है. तो ये चीज़ जो है काफ़ी कंट्रीज़ में अभी वैलिड है, लेकिन सो फार इंडिया में ये लीगल नहीं है ड्यू टू सम रेपरकशंस के. मान लो यहाँ पे आपको पता है ओल्ड एज पॉपुलेशन की भी बहुत प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ऐसे तो लोग जो है वो मतलब इसका जो स्पेशली जो चिल्ड्रन है, काफ़ी आपने देखे ही ऐसे केसेस आते हैं, वो तो अपने पेरेंट्स को भी मार देते हैं प्रॉपर्टी के सेक के लिए. तो फिर वो जो है वो फिर ऐसे ही करेंगे कि भाई है ना कि हम इसको जो है वो पैसिव यूथनेशिया के थ्रू ही मार देते हैं. ठीक है, तो क्या उसे कहते हैं लिविंग विल जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे कोर्ट के सामने या कुछ ऐसे, उसका मिसयूज जो है वो कर सकते हैं. तो इसके चलते अभी तक जो है इंडिया में इसको लीगल नहीं किया गया है. देन बात करते हैं संथारा की. संथारा को एक जयपुर बेस्ड लॉयर ने जो था 2006 में चैलेंज किया था कि इसमें जो जो श्वेतांबर्स और दिगंबर्स होते हैं, दिगंबर्स को सलीके बोलते हैं. अगर हम मुगल हिस्ट्री की बात करें तो मुगलों में भी जो था ये पनिशमेंट के रूप में सलीखें दी जाती थी उसमें, लेकिन उसमें जो था वो लोगों को जेल में फेंक देते थे और जब तक वो मर नहीं जाते थे मतलब उनको खाना नहीं दिया जाता था. ठीक है, तो इसको आप उसके साथ मत रिलेट करना जस्ट बिकॉज दिगंबर्स जो है इसको सिलिकेन बोलते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर्स इसको संथारा बोलते हैं, जिसमें होता है कि वो धीरे धीरे फूड जो है वो अपना छोड़ देते हैं और फूड मतलब धीरे धीरे वो मतलब डेथ की ओर जो है बढ़ते रहते हैं. जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी उनकी भी डेथ ऐसे ही हुई थी. ठीक है, एंड में उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था. तो इसमें जो था इसमें जो जयपुर बेस्ड लॉयर थे उन्होंने PIL फाइल की थी जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें वो आर्टिकल 25 का कोई भी वायलेशन नहीं है. ठीक है, आर्टिकल 25 होता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन. एंड इसके साथ साथ बोला कि ये सरासर जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू लाइफ का वायलेशन है अगर कोई संथारा अडॉप्ट करता है या फिर उसको अकंपनी करता है. तो इसके चलते जो था सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी फेवर में जो था वो केस जो था दे दिया कि बोला कि मतलब जैन टेक्स्ट में भी ऐसा सच कुछ नहीं लिखा है कि आपने अगर साल्वेशन अचीव करनी है तो वो आपको संथारा के थ्रू ही मिलेगी. ठीक है, तो उसमें चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो था वो सुसाइड करार कर दिया और बोल दिया कि ये कोई भी तरीका नहीं है अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने का एंड इससे आपका आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ जो है वो हर्ट होता है एंड फर्दर ये क्रिमिनल ऑफेंस है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 309 ऑफ IPC दैट इज अटेम्प्ट टू सुसाइड एंड सेक्शन 306 दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड. यानी कि या तो सुसाइड करने की कोशिश करोगे आप या फिर आपको कोई जो है वो इसमें क्या उसे कहते हैं पुश करता है या आपका साथ देता है संथारा में, तो वो दोनों ही जो है वो इन सेक्शंस के अंडर ऑफेंस माने जाएंगे. देन इसके बाद काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का जो था रिवोल्ट किया. जो जैन कम्युनिटीज थी वो भी सड़कों पे उतर आई, काफ़ी धरने वगैरह हुए थे. इवन जो MP MLAs थे उन्होंने भी इस चीज़ का काफ़ी रिवोल्ट किया था. आप कह सकते हो वोट बैंक के चलते किया होगा या कैसे भी किया था. ठीक है, तो इस चीज़ को जो था बहुत ही ज़्यादा फिर मतलब सड़कों पे लोग लेके आ गए, तो इसको सब्जुडाइज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में भी एंड फर्दर इसके बारे में अभी तक कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया. देन उसके बाद हम बात करते हैं इशू ऑफ ट्रांसजेंडर और LGBT कम्युनिटी की. तो सबसे पहला जो इसमें केस है दैट इज नाज फाउंडेशन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्स को ये परमिशन दे दी थी होमोसेक्सुअलिटी की. ठीक है, अलाउ कर दिया था सेक्शन 377 को जो था वो मतलब नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया था, बट सिर्फ इसको
पुश कंटेक्स्ट में जो था इसको अलाउ कर दिया गया था, यानी कि ओनली अमंग दी अडल्ट्स, ठीक है, क्योंकि इससे माना जाता था कि उनकी कुछ राइट्स जो है वो वॉयलेट होती हैं आर्टिकल 14, 15 के अंडर या आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. 15 में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, लाइक बहुत सारी उनकी राइट्स हैं, जैसे मान लो अभी भी वोटिंग्स में भी उनको बोला जाता है कि इक्वालिटी है, लेकिन वहाँ पे फिर जब जेंडर की बात आती है, मेल फीमेल की बात आती है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है. फिर उनको एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत सारी हमारी सोसाइटी भी उनको, आपको बताया, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो ऐसे चलते हुए इस केस में जो था वो उनको कुछ हद तक जो था वो अलाउ कर दिया गया उनका होमोसेक्सुअलिटी. देन उसके बाद जो था फर्दर इसको चैलेंज किया गया सुरेश कुमार कौशल केस में वर्सेस नास फाउंडेशन केस में, जिसमें जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया हाई कोर्ट के अर्लियर जजमेंट को और इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है अमंग दी एलजीबीटी कम्युनिटी, और बोल दिया कि जो नेचुरल पेनाइल वेजाइनल हेट्रोसेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है वही वैलिड होती है, अदर देन दैट जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो ऑफेंसिव मानी जाएंगी. तो सेक्शन 377 क्या होता है, बेसिकली अननेचुरल ऑफेंस. अननेचुरल ऑफेंस होता है हु एवर वॉलेंटरली हैज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन वुमेन और एनिमल शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल बी लाइबल टू फाइन. सो उसके बाद द रूलिंग इन नालसा दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस. तो इसमें जो है फिर फर्दर जो था मतलब इनको एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी जिसमें जो जेंडर्स जो ट्रांसजेंडर्स थे इनको थर्ड जेंडर स्टेटस जो था वो दे दिया गया था, ठीक है, कि इनको जो है इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए किसी तरीके से. सो द कोर्ट हेल्ड दैट नॉन रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी वॉयलेट्स द राइट टू इक्वालिटी एंड लाइफ एंड दैट ट्रांसजेंडर्ड पर्सन शुड नॉट बी कंपेल्ड टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज ईदर मेल और फीमेल. जैसे कि वोटिंग्स की मैं आपको बात कर रही थी कि वोट्स में उनको रजिस्टर करने के लिए जो था मेल या फीमेल में से ऑप्ट करना पड़ता था, तो उस केस में जो था सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रखते हुए कि इक्वालिटी का जो है इनको प्रोवाइड की जाए, तो उसमें इनका थर्ड जेंडर स्टेटस इनको प्रोवाइड किया गया ताकि उनको जो है वो कंपेल ना हो किसी तरीके से कि उनको मेल या फीमेल में से किसी एक को ऑप्ट करना पड़े. सो द लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी कर्टेल्स, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि मतलब क्योंकि उनका कोई जेंडर रिकॉग्निशन नहीं है तो इसके चलते उनको काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आती थी, लाइक एजुकेशन लेने में या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल करने में, इवन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक टॉयलेट्स, सब जगहों पे जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, वोटिंग के केस में, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि हर जगह पे आपको पता है कि वहाँ पे जेंडर जो है वो पूछा ही जाता है इधर मेल और फीमेल, है ना. सो व्हेन वाइल डिसाइडिंग इन 2017 इन अनदर केस जो पुत्तु स्वामी केस हुआ था अभी रिसेंटली, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट जो है वो एक्नॉलेज किया गया है, तो उसके अंडर जो है अभी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जो है वो एलजीबीटी के स्टेटस को रिव्यू करेगी, ठीक है, लेकिन सो फार इनका जो होमोजेनेटी सेक्स है उसका स्टेटस अभी डिसाइड नहीं किया गया है. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी के. राइट टू प्राइवेसी के सबसे पहले जो है इसकी हम बैकग्राउंड देखेंगे. सबसे पहला जो केस है इसमें हुआ था एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस, ठीक है. तो इसमें बेसिकली एक बंदे की जो प्रॉपर्टी के कुछ कागज थे जिसको कि सीज कर लिया गया था, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो थी एफआईआर लॉन्च की गई थी, ठीक है. द मेन इशू दैट केम अप फॉर कंसिडरेशन वॉज वेदर सच प्रोसीजर्स वर वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(f) दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी एंड आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन. सो आर्टिकल 23 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें जो बंदा होता है कल्प्रिट होता है वो अपने अगेंस्ट कोई भी विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है करता है यहाँ. और आर्टिकल 19(3) ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1954 का केस है, तो तब आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी भी जो था वो फंडामेंटल राइट था. तो इस केस में जो था वो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है. और इसमें तब इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला केस ऐसा हुआ था, और उसके बाद ये प्राइवेसी का टर्म जो था ये बिल्कुल नॉविस था एक तरह का बेंच के लिए भी, तो इसमें कुछ भी डिटेल में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था. देन उसके बाद खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस हुआ था, जैसे कि मैंने आपको इसकी डिटेल पहले भी दी है,
ठीक है, लेकिन इसमें मैं फिर से दोबारा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मतलब इसमें बेसिकली जो स्टेट सर्वेलेंस थी उसके अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी को सबसे पहले जो था वो लाया गया था कोर्ट में, जिसमें जो खड़क सिंह था, जो डाकू था, उसने इस चीज़ को मतलब चैलेंज किया था कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उससे वॉयलेट होते हैं, क्योंकि जो प्रोविजंस थी उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस की उसमें था कि उसको मतलब सर्वेलेंस वो कर सकती हैं, ठीक है, और कभी भी रात के टाइम दिन के टाइम उसके घर के अंदर आ जा सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसकी मूवमेंट के ऊपर भी जो थी वो नज़र रखी जा रही थी, ठीक है। तो इन दोनों राइट्स को ही 19(1)(d) यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को और आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को खड़क सिंह ने जो था वो चैलेंज किया। देन उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब मेन क्वेश्चन अराइज हुआ था फॉर द बेंच कि उन्होंने देखना ये था कि मतलब जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस की जो भी प्रोविजंस हैं क्या वो सच में उसकी राइट्स को करती हैं, वॉयलेट करती हैं, ठीक है। लेकिन फिर पुलिस अथॉरिटीज़ ने भी इस चीज़ को बोला कि भाई हम जो भी कर रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ व्हाट इज़ रिटन अंडर दी रेगुलेशंस, ठीक है, तो हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं एंड दैट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ में ये चीज़ केस में जो था वो प्राइवेसी को लेके आया गया था कि इस बंदे में जो था वो बंदे की जो खड़क सिंह था उसकी प्राइवेसी को जो है वो इंट्रूड किया जा रहा है, उसकी प्राइवेसी जो है वो हर्ट हो रही है, तो पहली बार इसमें जो था वो प्राइवेसी को रिकॉग्निशन दी गई थी, ठीक है। देन उसके बाद फिर इसमें जो एक जज भी थे जस्टिस सुब्राओ, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बोला था कि चाहे प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में एज सच नहीं स्टेट की गई है बट इट इज़ स्टिल एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो पहली बार जो था राइट टू प्राइवेसी को एक्नॉलेज किया गया था अंडर आर्टिकल 21 एंड फर्दर उन्होंने जो सर्वेलेंस मेजर्स जो अडॉप्ट किए जा रहे थे यूपी पुलिस की तरफ से तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक बताया था। देन उसके बाद नियर अबाउट अ डेकेड लेटर द सुप्रीम कोर्ट सीम्स टू हैव रियलाइज द नीड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू प्राइवेसी इन गोविंद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1973 केस में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ रियलाइज हुई कि राइट टू प्राइवेसी को हमें दोबारा से जो है वो कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, और फर्दर राइट टू प्राइवेसी को एक्सेप्ट भी किया गया बट अप टू अ लिमिटेड स्फीयर, बट दिस जजमेंट वॉज नॉट गिवन मच वेटेज क्योंकि जजेस का नंबर जो था वो बहुत ही कम था, 3 जजेस थे। अब जो डिसीजन हुआ आपको पता है 9 जज बेंच का डिसीजन था। देन उसके बाद जो फाइनली डिसीजन हुआ जस्टिस के पुत्तुस्वामी में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2017 में, इट्स बेसिकली ए लैंडमार्क केस जिसमें राइट टू प्राइवेसी को अंडर आर्टिकल 21 एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया गया, एक्नॉलेज किया गया पूरी तरह से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी स्टेट किया गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दो द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, नेशनल सिक्योरिटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन, ठीक है। सो इसके बाद जो था दिस इज बेसिकली अ लैंडमार्क केस विच इज लाइकली टू लीड द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस टू अ वाइड रेंज ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन, ठीक है, मतलब कि अब फर्दर जितने भी केसेस आएंगे इसके अंडर जो रिलेटेड होंगे प्राइवेसी से रिलेटेड, तो उसके अंडर फिर क्या सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में डिसीजन लेती है वो तो तभी पता चलेगा, क्योंकि फर्दर बाद में अब जो केसेस आने वाले हैं फ्यूचर में आपको पता है टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, ऑटोमेटेड हो रहा है। आधार कार्ड का भी ये केस था जिसमें ये चीज़ ये इशू जो था बेसिकली हाईलाइट हुआ था, तो आने वाले केसेस में प्राइवेसी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वेटेज भी मिलने वाला है एंड फर्दर देखने ही वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या जजमेंट्स जो है वो लेती हैं इन केसेस ऑफ प्राइवेसी। देन फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के दौरान जो सेक्शन 377 है, ठीक है, उसको भी जो है वो रिव्यू करने की बात करी है जिसमें क्रिमिनलाइज किया जाता है होमोजेनेटी को, सेक्शुअल जो सेम सेक्शुअल रिलेशंस होते हैं। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्री विद राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट अंडर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके साथ आपके राइट जो है आर्टिकल 21 ख़त्म होता है, लेकिन इसके साथ हम अभी बाकी करेंगे जो वुमेन राइट्स हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई होप यू हैड एन्जॉयड दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब टू फतेह एडुकॉम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।